इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में उत्तराखंड के पहाड़ों के 3 बहादुर बच्चों के नाम भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई है। इनमें रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले नितिन, पौड़ी गढ़वाल के आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल शामिल हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद ने भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली को इन तीनों बच्चों के नाम भेजे। अब तक उत्तराखंड के 14 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस बार जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है उनमें से एक नाम है रुद्रप्रयाग के तमिंड के रहने वाले नितिन का। 18 साल के नितिन का 12 जुलाई 2021 की सुबह गुलदार से सामना हो गया था। गुलदार नितिन पर झपट पड़ा, नितिन भी गुलदार से जूझने लगा। तभी गुलदार ने नितिन को छोड़कर उसके बड़े भाई सुमित पर हमला कर दिया। तब नितिन ने एक छड़ी की मदद से गुलदार का सामना किया था, जिससे वो अपनी और अपने भाई की जान बचाने में कामयाब रहा। इसी तरह नैनी डांडा के 9वीं क्लास के छात्र आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल ने स्कूल की प्रिंसिपल के साथ जंगल में लगी आग बुझाकर स्कूल को सुरक्षित बचाया था। आपको बता दें कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 से वीरता पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।